सुप्रीम कोर्ट के सख्त इंस्ट्रक्शंस के बावजूद इस साल पराली जलाने की घटनाएं पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा दर्ज की गई हैं। जिसे देखते हुए एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के प्रमुख भूरेलाल ने कहा है कि लोगों की मानसिकता पर बदलाव लाने की जरूरत है ताकि वे पराली जलाने के चलन के विकल्प तलाश करें। इसके अलावा उनका कहना है कि नई पीढ़ी दूसरे विकल्प तलाश करने के लिए तैयार है लेकिन पुरानी पीढ़ी अभी भी स्टबल बर्निंग के तरीके को ही सही मानती है। आगे वो कहते हैं कि पैडी स्ट्रॉ फर्टिलाइजर्स के लिए अच्छे स्रोत हैं, इसलिए पराली को मिट्टी के साथ मिला देना ही सबसे सही उपयोग रहेगा। यदि पराली को मिट्टी में मिला दिया जाता है तो फसल के अच्छे उत्पादन के साथ साथ दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण पर भी काबू पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने पर प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां फैल रही हैं उनसे भी बचा जा सकेगा। आपको याद दिला दें कि दिल्ली के आसपास यानी हरियाणा पंजाब में जलाई जाने वाली पराली दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार मानी जाती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।